आईसीएल मध्य भारत समाचार के इस अंक में पुनः आपका स्वागत है। इस अंक में हम जानेंगे कि सोयाबीन के बीज की शुद्धता के लिए रोगिंग की प्रक्रिया कैसे की जाए, अर्थात जो किस्म आपने खेतों में बोई है उसके अतिरिक्त अन्य किस्मों के पौधों को कैसे पहचाने और उसे खेत से कैसे बाहर करें। इस बारे में हमें विस्तृत जानकारी देंगी डॉक्टर पूनम कुचलन। और हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं समसामयिक सलाह, जिसमें हम जानेंगे डॉक्टर बीयू दुपारे जी से कि किसान भाई अपने सोयाबीन खेत में इस सप्ताह क्या क्या उपाय करें। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं सोयाबीन के बीज के उत्पादन के क्षेत्र में फसल की रोगिंग के बारे में चर्चा करूंगी। जैसे रोगिंग क्या होती है, इसे क्यों करना ज़रूरी है और रोगिंग सही तरीके से करने के लिए हमें क्या जानकारी ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रोगिंग क्या है। बीज उत्पादन के खेत में अवांछनीय पौधे, जैसे आपने जिस किस्म की बुआई की है उस किस्म के अलावा कोई और किस्म के पौधे उपस्थित हैं जिसे ऑफ टाइप कहा जाता है, उन पौधों को खेत से निकालकर बाहर फेंकना ही रोगिंग कहलाता है। अब सवाल उठता है कि रोगिंग करना क्यों ज़रूरी है। किसी भी बीज उत्पादन कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने के लिए बीज का आनुवांशिक एवं भौतिक रूप से शुद्ध होना अति अनिवार्य है। बीज लॉट में मिक्सचर या एक किस्म से दूसरे किस्म के बीज के मिश्रण से उससे उत्पादन होने वाले बीज शुद्ध बीज नहीं माने जाते और बीज प्रमाणीकरण के समय उस बीज लॉट के GOT टेस्टिंग फेल हो जाने की संभावना रहती है। किसी भी किस्म की पूर्ण उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उसके बीज को आनुवांशिक एवं भौतिक रूप से पूर्णतः शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसलिए बीज उत्पादन से जुड़े हुए किसान भाइयों को रोगिंग अवश्य ही करना चाहिए। सोयाबीन में रोगिंग मुख्यतः दो बार की जाती है। पहले चरण की रोगिंग फूल आने पर की जाती है और दूसरे चरण की रोगिंग फसल पकने की अवस्था में की जाती है। रोगिंग हेतु दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक सही समय पर रोगिंग करना और दूसरा बीज उत्पादन किए जाने वाले किस्म के लक्षणों की सटीक जानकारी का होना। तो आइए जानते हैं कि किन किन लक्षणों से सोयाबीन की मिश्रित किस्म को पहचाना जा सकता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि सोयाबीन की किस्मों में दो तरह के फूल आते हैं, सफ़ेद या बैंगनी। फूल के रंग के आधार पर रोगिंग करना बहुत ही आसान होता है और अलग रंग वाले फूल के पौधे को निकालकर उन्हें उखाड़ फेंक कर आप अपने बीज उत्पादन क्षेत्र की बीज की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं। दूसरा लक्षण है सोयाबीन की आकृति। सोयाबीन में मुख्यतः तीन आकृति की पत्तियां मिलती हैं, लैंसाकार जिसे लैंसुलेट कहा जाता है, नुकीली अंडाकार जिसे पॉइंटेड ओवेट कहा जाता है और गोल अंडाकार जिसे राउंड ओवेट कहा जाता है। यदि आपके खेत में सभी पौधों के फूल एक ही रंग के हैं पर कुछ पौधों में पत्तियों की आकृति भिन्न है, जैसे यदि आपने JS9560 की किस्म लगाई है तो उसकी पत्तियां लैंसाकार होती है, किंतु खेत में कुछ पौधों की पत्ती नुकीली अंडाकार वाली भी दिख रही है, तो ऐसे में आपको नुकीली अंडाकार वाली पत्ती के पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है सोयाबीन की फली में रोएं का उपस्थित होना या अनुपस्थित होना। सोयाबीन की किस्मों में रोएं दो तरह के मिलते हैं, एक धूसर रंग या ग्रे कलर कहा जाता है और दूसरा ब्राउन या भूरा। कुछ किस्म में ये रोएं नहीं पाए जाते, जैसे JS2034, JS335 आदि। वहीं JS2069 में रोएं पाए जाते हैं और उनका रंग भूरा होता है। किस्म NRC7 में धूसर रंग के रोएं पाए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग किस्मों में कभी रोएं पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते। आपने जिस किस्म की बुआई की है उसमें यदि रोएं हैं और जिस कलर के हैं उसके अलावा अगर कोई और दूसरे रंग के रोएं वाले पौधे मिल रहे हैं तो उनको उखाड़ कर फेंक दीजिए। चौथा लक्षण है फली का रंग। पके फसल की फली के रंग को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है, पीला, भूरा और काला रंग। फली के रंग के आधार पर अलग किस्म को आसानी से पहचाना जा सकता है। और दूसरे चरण की रोगिंग में ये लक्षण पहचान कर अवांछनीय पौधों को निकाला जाता है। दूसरे चरण में मुख्यतः फली के रंग और रोएं के आधार पर रोगिंग किया जाता है। सोयाबीन में
रोगिंग हेतु फूल के आने के समय की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फूल आने पर रोगिंग तुरंत करना चाहिए। लगभग 7 दिनों का समय मिलता है रोगिंग करने हेतु। उसके बाद फूल सूखने लगते हैं और फली बनने लगते हैं। फूल आने का समय क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगी। जैसे सोयाबीन की 2 किस्में हैं, JS 9560 और JS 9305। दोनों ही किस्म के फूलों का रंग बैंगनी है, दोनों की किस्म की पत्तियाँ भी लैंसाकार है और दोनों ही किस्म में रोएं भी नहीं पाए जाते। ऐसे में यदि दोनों किस्म मिश्रित है तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है, किंतु JS 9560 में 30 दिन में फूल आना शुरू हो जाती है और जब JS 9305 में लगभग 40 दिन में वो फूल आना शुरू होता है, तब तक JS 9560 की फूल सूख कर फली बनना शुरू हो जाती है। तो आप फूल के आने के समय को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फसल में मिक्सचर है या नहीं। इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो किस्म लगाई है उसके फूल आने का समय कितने दिनों पर होता है। किसान भाइयों, तो ये है वो खास लक्षण जिनके आधार पर रोगिंग कर सोयाबीन बीज की फसल की गुणवत्ता बरकरार रखी जा सकती है। बीज उत्पादन के खेत में रोगिंग हेतु पूरे फसल के दौरान बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए और एक भी पौधा ऑफ टाइप दिखे तो उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तभी आपके बीज पूर्णतः शुद्ध होगी। यदि बीज उत्पादन करने वाले किसान भाई इन बारीकियों का ध्यान रखेंगे और सही समय पर रोगिंग कर लेंगे तो निश्चित ही रूप से वे अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन कर पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ समसामयिक सलाह। किसान भाइयों, वर्तमान में अभी भी कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पर पीला मोजाइक वायरस या कहीं कहीं सोयाबीन मोजाइक वायरस के लक्षण बने हुए हैं और इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि प्रारंभिक अवस्था में ही ऐसे पौधे के अपने खेत से निकाल के बाहर कर दें और इसके जो वाहक है सफ़ेद मक्खी और एफिड, इनके नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित दवाई है आपके स्क्रीन पर दिए जा रही है उसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन 2 विषाणु जनित बीमारियों के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, ये फफूंद जनित रोग है, इनका प्रकोप देखा गया है और इनके नियंत्रण के लिए जो दवाइयों के नाम और उनकी मात्रा संपूर्ण विवरण आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आपको इसमें से किसी एक दवाई का लेके छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि कीट नियंत्रण की। अभी कुछ क्षेत्र में चक्रभृंग का प्रकोप बना हुआ है और इसके नियंत्रण के लिए 3 जो अनुशंसित दवाई है उसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि आपके खेत में चक्रभृंग के साथ साथ पत्ते खाने वाली इल्लियाँ भी हैं तो उसके लिए जो हमारी कॉम्बिनेशन जो दवाइयाँ अनुशंसित उसमें से किसी एक का लेके आप छिड़काव कर सकते हैं और इसके छिड़काव इन दवाइयों के छिड़काव से तना मक्खी का भी नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, कुछ खेतों में चने की इल्ली का प्रकोप देखा गया है जिसको कि हेलिकोवर्पा आर्मीजरा कहते हैं और इसका नियंत्रण का उपाय जो है कि फेरोमोन ट्रैप है, हेलुल्यूर के नाम से आता है, वो आप लगा सकते हैं और साथ में अनुशंसित जो दवाइयाँ हैं आपके स्क्रीन पे दी जा रही है उसमें से किसी एक का लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तना मक्खी के प्रकोप होने की स्थिति में जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ हैं उनमें से किसी एक का लेके भी आप छिड़काव कर सकते हैं और जो इस समय पे सोयाबीन की जो शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं जैसे कि JS 9560 या JS 2034 दाने भरने की अवस्था में है और इन किस्मों में जो सोयाबीन की फलियां कट कट कर गिरने की स्थिति देखी गई जो कि चूहे द्वारा निर्मित स्थितियां बनी हुई हैं और आपको ये सलाह है कि चूहे के प्रबंधन के सभी उपाय अपनाएं जिसमें से बाजार में उपलब्ध जो विष प्रलोभक है जो कि केक या बिस्किट के रूप में आते हैं या जिंक फॉस्फाइड मिश्रित आटे की गोलियां बना के मेड़ के किनारे जो चूहे के जो छेद रहते हैं होल रहते हैं उसके आसपास रख दे और उससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूल लगने की स्थिति में एक हमेशा एक धोखा बना रहता है कि जो कुछ कीट होते हैं जो फूल को खा जाते हैं जिससे कि अफलन की स्थिति बन सकती है, तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आपको सलाह है कि
आपके स्क्रीन पे जो अनुशंसित दवाइयाँ दी जा रही है उसमें से किसी एक लेके फूल के स्थिति में आप छिड़काव करें। ये ध्यान रखें कि कुछ लोग नहीं कर पाते, सोचते कि छिड़काव करने से फूल गिर जाएंगे और हमारी फसल में नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब आवश्यक है ऐसे कीड़े दिखते हैं जो कि फूल खाते हैं, उस समय अवश्य अपना छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में सफ़ेद सुंडी यानी वाइट ग्रब का भी प्रकोप देखा गया है और इसके नियंत्रण के लिए सलाह है कि जो क्लोरपाइरिफॉस 2.5% दानेदार है 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रेत के साथ में मिला के सोयाबीन की कतारों के बीच में इसको बिखेर दें। और इसके साथ ही में आपको सलाह ये भी है कि सोयाबीन में जो कीट नियंत्रण के अन्य जो उपाय है उसको भी अपनाएं। जब भी आप जो आदान क्रय करते हैं चाहे वो कीटनाशक हो तो उसके पक्की रसीद अवश्य लें और ये भी देखें कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो एक्सपायरी डेट के अंदर की हो। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये भी है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर आप जाए और इस चैनल पे हमारी जो छोटे छोटे वीडियो है सभी फसलों के कीट नियंत्रण या रोग नियंत्रण के बारे में उसको अवश्य देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोयाबीन के जो छोटे छोटे वीडियो। और ये थी इस समय की समसामयिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।